अगर राहुल ने कुछ गलत किया है तो ईडी को जरूर गिरफ्तार करना चाहिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, लंबे समय तक इस देश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। आने वाले 2-4-5 दिन में हुड्डा की जबान से भी सुनोगे वो भी ये कहेगा कि मुझे भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। मैं कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था और वो कार्यकर्ता सम्मेलन रैले में तब्दील हो गया। जितने साथी अंदर थे इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। ये एक बड़ा उत्साह है आज इस गठबंधन को लेकर के लोगों में। लोकसभा के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे थे, आज राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, आज स्थानीय मुद्दे हैं। आज हर हलके की अलग अलग बात है, प्रदेश में कौन क्या करेगा इन सब बातों के ऊपर लोगों का ध्यान है। किसके राज में प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुविधा मिली लोग उसका आकलन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा प्रदेश के लोगों पे कि बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और हमारे साथ कुछ और भी दूसरे दलों के लोग मिल रहे हैं, जल्दी ही उन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ लेंगे। लोग विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और सत्ता सौंपने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद जो नौ बात मैंने आपके सामने अभी कही है उन नौ को पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगे। हमने स्वर्गीय काशीराम जी का, चौधरी देवीलाल जी का सपना साकार करना है, बहन मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। अगर राहुल ने कुछ गलत किया है तो ईडी को जरूर गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कुछ गलत किया नहीं तो बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं देश के, उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, लंबे समय तक इस देश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। आज कहीं उसी डर से इस तरह की भाषाएं कांग्रेस के नेता दे रहे कह रहे हैं। ये बात आने वाले 2-4-5 दिन में हुड्डा की जबान से भी सुनोगे वो भी ये कहेगा कि मुझे भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। आपने कह तो दिया कि अगस्त में उसको ईडी गिरफ्तार कर सकती है। जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोकता। दोनों इकट्ठे निकाल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, दोनों को इकट्ठा करो ना। अगर आप इतने शुभचिंतक हो उनको, उनकी रैलियों की बात करते हो तो उनको इकट्ठा कर दो यार। हरियाणा में बीएसपी और एनडीए का रेशो क्या होगा? तू अनाउंस करवा अपने इलेक्शन, हमने सारी तैयारी कर रखी है। आनंद जी क्या कहेंगे जो